खाने का स्वाद से लेकर पचने तक का सफर। बच्चों क्या हुआ? मुझे देखते ही मुंह में पानी आ गया। तुम तो बच्चे हो, बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। सभी लोग मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत चाव से खाते हैं। हम तुम्हें उन सभी तत्वों को प्रदान करते हैं जिनकी जरूरत तुम्हें तुम्हारे विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। मेरे कुछ दोस्त तुम्हारे स्वाद का अच्छा ध्यान रखते हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा भाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम खाने की चीजों को संतुलित रूप में लो तो ये तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में खाने के सफर पर लेकर चलूंगा। आज गांव में मेला लगा है, चलो हम सब वहां चलें। वाह, मेले में कितना मजा आएगा! मसीदार चाट, गोलगप्पे, इमली की गोली, झूले, चूड़िया, बिंदिया। चलो चलो जल्दी चले। मेले में पहुंचकर सबने झूले झूले मजे किए, फिर हम सबको भूख लगाई। चलो पानी पूरी खाते हैं, मेरे तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। खाने से पहले ही खट्टे मीठे पानी का मजेदार स्वाद मेरे मुंह में आ गया। मुझे तो खट्टा पानी पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है गीता? उई माँ, ये पानी कितना तीखा है, बहुत मिर्ची है, जल्दी कुछ मीठा खाना पड़ेगा। अब जाकर शांति मिले। कितने सारे स्वाद! भला हमारे मुंह में ऐसा क्या है जिससे सारे अलग अलग स्वादों का पता चल जाता है? मीनू सोच में पड़ गई कि उसके मुंह में सारे स्वाद का कैसे पता चलता, हमें मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टे का कैसे पता चलता है। मीनू यही सोचते सोचते घर लौट आई अपने दोस्तों के साथ। घर पहुंचते ही उसने माँ से पूछा, माँ हमें खट्टे स्वाद का कुछ खाने से पहले ही कैसे पता चल जाता है, या हम कुछ चीजों को देखकर ही कैसे पता लगा लेते हैं कि उनका स्वाद कैसा होगा? माँ बहुत गौर से देखती रही, फिर बोली, जाओ मीनू, गीता और अपने सारे दोस्तों को बुला लाओ, मैं तुम सबके साथ एक प्रयोग करूंगी। मीनू भाग कर गई और अपने दोस्तों को बुला लाई। माँ रसोई में थी और उन्होंने कई चीजें सामने रखी हुई थी। चलो बच्चों बताओ इसका स्वाद कैसा है? कैरी, खट्टा, बहुत खट्टा, मुझे बहुत पसंद है। चलो बच्चों बताओ इसका स्वाद कैसा है? बाप रे, लाल मिर्च, मुझे तीखा नहीं अच्छा लगता। बच्चों हमारे मुंह में जीभ होती है, उस पर हर स्वाद के लिए एक विशेष केंद्र है, जहां हमें हर स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन या कड़वे का अनुभव होता है। रमेश बेटा अपनी जीभ दिखाओ। आप अगली बार जब कुछ खाओ तो अपनी जीभ पर उस स्वाद के अनुभव पे ध्यान देना। मीनू की माँ ने कुछ अंडे उबाल के रखे थे। मीनू और गीता को उनकी महक अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने अपनी नाक सिकुड़ ली, पर रमेश को अंडों की महक से कोई गंध नहीं आ रही थी। रमेश, तुम्हें अंडों की महक नहीं आ रही क्या? मेरी तो नाक ही बंद है, मुझे जुखाम है। देखो बच्चों, जब हमारी नाक बंद होती है या हमें जुकाम होता है
तब हमें कोई भी महक नहीं आती। इसीलिए रमेश को उबले हुए अंडों की महक नहीं आ रही है, पर मीनू और गीता तुम्हें ये महक आ रही है। कई चीजें जैसे अंडे, मछली, उबलता हुआ दूध, समोसे, पकौड़े इत्यादि की महक से ही मुंह में स्वाद आ जाता है। हाँ, वो गंदी कड़वी दवाई जो तुम मुझे खिलाती हो जब मैं बीमार होती हूँ। सभी बच्चों ने एक साथ बोला, छी, दवाई कितनी कड़वी होती है। मैं एक उपाय बताऊं तुम बच्चों को, अगली बार अपनी नाक बंद कर लेना दवाई पीने से पहले। इससे तुम्हें ना तो दवाई की महक आएगी और ना ही दवाई कड़वी लगेगी। दोस्तों, आप भी यही तरीका अपनाना। दवाई के नाम से ही मुंह का स्वाद खराब हो गया। माँ, कल जो पिताजी ताजे फल लाए थे वो खाने को दो ना। अभी देती हूँ। मौसी, कई फल कितने सख्त होते हैं खाने में। बच्चों, हमारे मुंह में थूक या सलाइवा होता है जो हमारे खाने के साथ मिलकर उसे नरम बनाता है और हमें स्वाद आता है। मेरे दादाजी कहते हैं कि हमें धीरे धीरे चबाना चाहिए। जल्दी जल्दी बिना चबाए खाने से हमारे पेट में दर्द होगा। बिल्कुल सही बात है। हमें नरम खाना जैसे खीर को चबाना नहीं पड़ता, वह हम निगलते हैं। लेकिन सेब, अमरूद, रोटी, चावल आदि हमें चबाने पड़ते हैं। हमें खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि वह थूक के साथ अच्छे से मिलकर आसानी से खाने की नली से पेट तक पहुंच पाए। क्या 32 बार? बच्चों, आप भी अब खाने को धीरे धीरे चबाना, कम से कम 32 बार। मौसी, आपने आज खाने के स्वाद के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसी, मेरे मन में एक सवाल है। जब खाना मुंह से होकर पेट में जाता है तो क्या होता है? अब इसके बारे में कल बात करेंगे। शाम हो गई है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी। फिर हम कल मिलते हैं मौसी, मुझे तो और भी बहुत कुछ जानना है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगले वीडियो में आपको आपकी पाचन क्रिया के बारे में बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहें और स्वस्थ खाते रहें।